आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से इन्वेस्टिटीचर सेरेमनी और स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर हेड गर्ल और हेड बॉय ऑफ आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल, डिसिप्लिन इंचार्ज, कल्चरल सेक्रेटरी, आईटी सेक्रेटरी और स्पोर्ट्स कैप्टन बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई ताकि ये स्टूडेंट्स आगे लीडर बन सकें। इन सभी स्टूडेंट्स ने ओथ लेकर अपनी रिस्पांसिबिलिटी को निभाते हुए टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के सपोर्ट के साथ सभी स्टूडेंट्स को साथ लेकर आगे बढ़ने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ स्पोर्ट्स गेम में हिस्सा लिए थे उनमें विनर्स को और पार्टिसिपेंट्स को मेडल और सर्टिफिकेट के साथ अवार्ड्स दिए गए हैं। इस प्रोग्राम में स्कूल डायरेक्टर जनाब जमीर अहमद सर ने चीफ गेस्ट के तौर पर शहर के कुछ जर्नलिस्ट और कॉरपोरेटर को इन्वाइट किया था, जिसमें गुलबर्गा हेडलाइंस से वसीम शेख के अलावा खमर मोहसिन, ताहिर अब्बास, सैयद वसीम, मसूद आलम और वार्ड नंबर 4 के कॉरपोरेटर रियाज भट्ट को और एक्स कॉरपोरेटर आजम पटेल यहां शिरकत किए थे। आपको बता दूं, गुलबर्गा शहर में मौजूद आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग स्कूल है, जहां खासकर स्टूडेंट्स को AI, रोबोटिक और स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पर तालीम दी जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट और खुशी की बात यह है कि कर्नाटक स्टेट की जानिब से आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुकी है और अभी स्कूल CBSE के लिए एलिजिबल हुआ है। मजीद इस प्रोग्राम से जुड़ी डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। I stand here today truly honored and humbled to have been chosen your head boy. I would like to be thanking all of you putting in trust in me. This is not achievement, but a reflection of the sports and encouragement received from my teachers, friends and family. First of all, I would like to thank each and every one of you for giving me the chance to serve as your head girl. It is truly an honor and I feel incredibly grateful for the trust that you have placed in me. I would also like to take a moment to thank the teachers, my fellow students and my family for their support. As your sports captain, I promise to lead by example and encourage all of you to participate, whether you are an experienced athlete or someone just starting out. Respected teachers and students, first of all, I would like to explain my gratitude to school management for entrusting me this important responsibility. I am deeply honored to have been chosen as a cultural secretary, and I want to thank you for your support and trust. Today, we are celebrating investiture ceremony as well as sports award ceremony. This marks us to bring an international level of setting up the events, inculcating the international standard and the value system with the Islamic culture and heritage. Inshallah, आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे काफ़ी सारा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल हमारी एक स्कूल की लड़की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दिल्ली में प्रगति मैदान में पिछले सितंबर में उनका एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट था, उसके लिए नेशनल लेवल के लिए भी उनको चुना गया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कर्नाटका से एक लौता स्कूल, जो कि हमने इस पे पिछले बार भी एक मीडिया में भी हमने डाला था, एक बहुत ही बेहतरीन प्रगति मैदान में, इंशाल्लाह उसको हम एक नए और एक प्रोग्राम में उनको बुला के तहनियत देंगे। वो बच्ची को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑन पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड माने क्या है? हम चाहते हैं बच्चे सिर्फ गुलबर्गा के हद तक कॉम्पीट ना करें, या गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट के हद तक या लोकल के हद तक। दे नीड टू कॉम्पीट इन इंटरनेशनल लेवल। उसके लिए एक रिसर्च ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नॉलेज की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जिन बच्चों को अवार्ड्स दिए गए हैं, मेडल्स दिए गए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, ये एक मोटिवेशन है उनके लिए, और दीगर जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि वो भी आगे इस तरह से मेडल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो तमाम यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह से अच्छी तालीम यहाँ पर दी जा रही है। हम उम्मीद करते हैं आगे जिस तरह से PUC कॉलेज यहाँ पर स्टार्ट किया है गया है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पर स्टार्ट करके यही बच्चों को आगे भी ये कंटिन्यू तालीम देते रहें। हमेशा से भी जब जब भी कहीं इनवाइटिव का नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की जबान से
जमील सर के बारे में इतनी तारीफ और इतने दुआएं निकलती है कि हर लिहाज से जमील सर का और स्टाफ का हमेशा से भी कोऑपरेशन रहता है, चाहे वो बच्चों की फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ हो। स्कूल को प्रोफेशनल ढंग से चला रहे हैं सर, लेकिन फीस में बहुत कंसेशन करके बहुत सारे पेरेंट्स को जो है ना रिलैक्सेशन दे रहे हैं, उसके लिए खास करके आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर बच्चे पढ़ने के बाद कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्लेन चलाएगा, कोई लीडर बनेगा। यहाँ पे आज चंद बच्चे फर्स्ट अवार्ड हासिल किए। मैं दूसरे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। आज फर्स्ट अवार्ड उन्होंने मारे, कल आप मारेंगे, इसके अंदर हमको डरने की बात नहीं है। हमारा काम है हिम्मत करना, टीचर की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना और सरों की इज्जत करना। हाई यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्कूल जो एक फ्यूचर CBSE स्कूल है, बहुत ही इनोवेटिव तरीके आज ही नहीं बल्कि आई थिंक वहीं पर ही उन्होंने जब रोबोटिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए थे वे बैक इन 2013, तो सर का विजन तब से ही जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और आज लोगों की जो मेहनत है आज वो रंग ला रही है। इतने सारे बच्चे कलरफुल ड्रेसेस में बैठे हैं, इतने सारे टीचर्स हमारे पास बैठे हुए हैं, तो मैं जमील सर का और उनके एंटायर टीम का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। तो ये चीज मैंने सबसे ज्यादा खास करके जमील साहब के स्कूल में देखा है कि बच्चे काफी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा चीजों को इन्वेंट करते हैं, तो ये चीज बच्चों में होना बहुत जरूरी है। इनोवेटिव स्कूल से आई इनोवेटिव स्कूल, आज मैं पहली बार आया हूँ, काफी बहुत अच्छी बिल्डिंग है और आप मुबारकबाद देता हूँ कि आपने आपको CBSE जो है वो अप्रूवल हुआ है। जिस तरह जमीर सर बता रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इनोवेटिव स्कूल से बच्चों को आज से ही सिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी हेल्प है। और जमीर सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी खुशी होती है देख करके आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी बच्चों को आप अभी से उसमें डाल रहे हैं। आप स्पोर्ट्स को पोलाइट मत लीजिए, कौन सा भी इंडोर या आउटडोर कौन सा भी स्पोर्ट्स रहते एक स्पोर्ट्स को आप एक जगह तरीके से खेल के उसके लिए। और मैं एक बार जमीर सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने उनका स्कूल रिकग्नाइज हुआ है। इन्होंने एक जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं, इतना ईजी टास्क नहीं है एक स्कूल चलाना, जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह से आज आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में हमें एज ए गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किया गया था, सबसे पहले मैं जमीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल और इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर जो तालीम दी जाती है, ये तालीम दीगर स्कूल जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के मुकाबले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं AI जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं अभी से यहाँ पर जो है ना जमीर सर वो बच्चों को वो टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। और इस तरह से रोबोटिक एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ासकर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो जहन रखते हैं बच्चे पढ़ाई करने में, वो तो कोई भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। जो कम जहनीत के बच्चे होते हैं उनका पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उन बच्चों को यहाँ पर तालीम देने पर यहाँ पर टीचर को ये ट्रेनिंग दी गई है कि उन बच्चों को फोकस करें जो जहनीत में कमज़ोर होते हैं, जिनके ऊपर पढ़ाई में जिनका ध्यान नहीं होता, उन बच्चों को यहाँ पर फोकस करके उनके ऊपर उनको एजुकेट करने के लिए उनको अच्छी तालीम उनको देने पर फोकस यहाँ पर किया जाता है। तो मैं आज जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, स्पोर्ट्स में यहाँ पर बच्चों को अवार्ड दिए गए और दीगर कॉम्पिटिशन में जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करे तो उनको अवार्ड दिया गया, और स्कूल के हेड गर्ल्स हेड बॉयज़ और मॉनिटर्स यहाँ पर बनाए गए, तमाम चीज़ें जो बच्चों को यहाँ पर मेडल्स वगैरह दिए गए हैं, ये बच्चों को मोटिवेट करने में बहुत सपोर्टिव होते हैं। और जो बच्चे आज पार्टिसिपेट नहीं करे हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है, अगर वो भी इस तरह से आगे तालीम में फोकस कर अगर आगे बढ़ेंगे तो उनको भी इस तरह से मेडल्स दिए जाएंगे। और तमाम और सबसे खुशी की बात यह है गुलबर्गा के लिए कि इस बार जो है हाल ही में जमीर सर को इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में CBSE के लिए NOC यहाँ पर दी गई है, ये बहुत खुशी की बात है। ये स्कूल में अब और तेज़ी से यहाँ पर एजुकेशन बच्चों को बड़ी आसानी से मिल सकता है, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर सिर्फ 10th तक SSLC नहीं, PUC यहाँ पर शुरू किया गया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर PUC के लिए भी यहाँ पर एडमिशन्स हो रहे हैं। तो आगे हम दुआ करते हैं कि इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज के लिए भी ये इंस्टीट्यूट इदारा कामयाबी हासिल करेगा। तो आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन एक बेहतर स्कूल में कराना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। इनोवेटिव स्कूल और आई इनोवेटिव स्कूल में आप एडमिशन करा सकते हैं, और साथ ही जिसका 10th कम्प्लीट हो गया है अगर वो PUC के लिए कहीं अगर बेहतर कॉलेज की तलाश कर रहे हैं तो आप यहां पर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, काफ़ी कम फीस में अच्छी तालीम देने के लिए ये इदारा जाना जाता है। सबसे पहले तो मैं आई इनोवेटिव के मैनेजिंग डायरेक्टर जमीर साहब को इस प्रोग्राम और उनके
CBSE के NOC मिलने पर मुबारकबाद देता हूँ। ये प्रोग्राम रखा गया था इनके स्कूल में खास करके रैंक और स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए, और साथ ही साथ हमें भी सम्मान किया। मैं जमीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख़ास करके स्कूल के बारे में जहाँ तक हमें सुनने में आता था कि स्कूल का स्टाफ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखा है हमने कि स्टूडेंट्स को खासकर सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए भी तवज्जो दिया जाता है, और ख़ास करके स्टूडेंट्स को आने वाली जो टेक्नोलॉजी है और बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी है उसको देखते हुए स्टूडेंट्स को एक टेक्निकल स्टूडेंट भी यहाँ पे बनाया जाता है। देखिए खास करके बच्चे अपनी तरफ से जो चीज़ ऐजाद करते हैं, जो इन्वेंट करते हैं, तो उस चीज़ को बच्चों के लिए वो चीज़ उनके फ्यूचर के लिए पहली सीढ़ी होती है। एजुकेशन के साथ साथ बच्चों में एक टेक्निकल चीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि ज़मीर साहब के स्कूल में खास करके ये चीज़ सिखाई जाती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी सीखे, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहें, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को खास करके आई इनोवेटिव स्कूल में ज़रूर एडमिशन कराइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल, इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल और इनोवेटिव इंटरनेशनल PU कॉलेज के जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया था, उसका नाम है इन्वेस्टिट्यूचर सेरेमनी और स्पोर्ट्स अवार्ड। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इन्वेस्टिट्यूचर सेरेमनी के तहत बच्चों को हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी चुना गया और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो आने वाले दिनों में वो लीडर्स बन सकें और स्कूल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। साथ ही साथ आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल टेक्नोलॉजी के लिए जैसे कि AI और रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट कराने में बड़ी माहिरी रखता है, और साथ ही साथ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल हर अवार्ड से उसको नवाजा गया है। और सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल को हमको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से NOC मिली है, इंशाल्लाह CBSE के लिए हम एलिजिबल हैं, इंशाल्लाह आने वाले मार्च में हम CBSE एफिलेशन के लिए जा रहे हैं और एफिलेशन इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि कलबुर्गी नॉर्थ का बड़ा, सबसे बड़ा एरिया वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्कूल रहेगा आने वाले दिनों में CBSE के ताल्लुक से। CBSE एक सिलेबस ऐसा है कि नेशनल लेवल में इसके 28,000 स्कूल हैं, तो इसमें से एक हमारा स्कूल होगा गुलबर्गा में, सिर्फ चुनिंदा 10 स्कूलों को ही CBSE की एफिलेशन मिल चुकी है, उसमें एक हमारा भी होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को CBSE के साथ साथ इंटरनेशनल फोकस किया जाएगा और इंटरनेशनल लेवल की लर्निंग के लिए हम तैयार करेंगे, जैसा कि हम स्लो लर्नर अलग अलग मेथड्स में अलग अलग बच्चों को ट्रेन करने के लिए एक्सपर्टीज़ हैं हमारे स्टाफ और टीचर्स का। मैं सारे वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ, एक बार मुआयना करें और जाँचें आपके बच्चे के लिए इस स्कूल अगर सूटेबल है तो आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएं। आज इस मौके पर हमारे गुलबर्गा के अहम शख्सियत को दावत दिया था जिन्होंने गुलबर्गा को एक बेहतरीन गुलबर्गा बनाने के लिए, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, इंजीनियर्स थे, बहुत ही अलग अलग शोबे में उनके कारनामे हैं, उनके लिए हम एक छोटा सा अपने तरफ से एक कोशिश की थी कि हौसला अफजाई के तौर पे एक फेलिसिटेट किया जाए, हम उसका भी प्रोग्राम किए थे। हम उन सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बच्चों को और हमारे स्कूल के बच्चों को सराहाया और हमारे स्टाफ को सराहाया, मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।